तो माधव जी ने पूछा कि ध्यान पूर्वक जप के लिए बार बार मन भटकता है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया कि केवल जो बोला है उसको सुनना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। उसको सुनना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, अगर कोई छोटे छोटे काम बहुत सारे किसी को याद आते हैं तो एक बार सब लिख लो, एक बार लिख लो, है ना। लिखने के लिए मन में याद आए, लिखने का एक तो वहां पे, तो फिर वो चीज फिर दोबारा याद नहीं आएगी, ठीक है, कि भाई उसको तो लिख लिया। अब जी फिर अब कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं वो हमको याद आती रहती हैं, तो अब कोशिश यही करनी है कि कोई भी घटना को बहुत है बहुत ज्यादा मतलब डीप इंप्रेशन क्रिएट करने वाला नहीं। जैसे हमारी जैसे ट्रेन में आपको सीट में कोई और बैठा है तो बहुत ज्यादा आपने रिस्पांस नहीं दिया, ऐसे वैसे इधर उधर सीट ऐसे वैसे, बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। गए तो उनको भी आवाज नहीं आ रही है। जी शायद आपकी ही सीट होगी, लेकिन एक बार चेक करवा लेता हूँ ना। तो एक जी मिनट, तो मैं वो एज मतलब जो भौतिक घटनाएं हैं उसको बहुत हाई उस पे नहीं, लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए। मतलब हाइपर हो गए, हम भी बहुत गुस्से में आ गए, वो भी बहुत गुस्से में आ गए। जी हरे अरे ये तो कृष्णा, मुझे आ रही थी, आवाज आ मुझे आ रही है ना। रही है। तो ये तो तीसरा चीज ये है। जी पहली चीज वो बता कि ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए जो बोल रहे हैं, मन को बार बार ले आने का प्रयास करना चाहिए, एक चीज। दूसरा चीज ये है कि छोटी छोटी अगर चीजें याद आती हैं तो उसको नोट कर लें कहीं पर। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि मन बार बार मेजर चीजें नोट कर लेंगे आप, फिर छोटी छोटी चीजें आएंगी तो उसको नई भी लिखें तो कोई चलेगा। एक दिन ही ऐसा करिएगा, हर दिन नहीं, नहीं तो मन लिखने पर बहुत सारी चीजें हैं तो लिख लीजिए। फिर तीसरी चीज ये है कि कोई बहुत हैपनिंग अगर घटना हो गई है कुछ ऐसी, तो उसको कम्युनिकेशन से रिजॉल्व करना चाहिए। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जस्ट सॉल्यूशन का एक तरीका है, उनसे बात कर लीजिए, विनम्रता से उनसे बात करिए। आप समझ रहे हैं, जैसे मान जी लीजिए रिलेशन में किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर वो अच्छे लोग हैं, अगर वो बहुत ही कनिंग लोग हैं, बहुत ही वैसे लोग हैं, तब तो उनका यही हमको अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा कि भगवान ये सब कुछ देखो, मैं भौतिक संसार में आया तो इसी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि इस संसार में रहेंगे तो ये होगा ही, तो फिर हम इस संसार से निकल करके ही हम इससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो कोई कहता है कि किसी को वाइफ ठीक नहीं मिली या फिर बच्चे ठीक मिले, तो फिर क्या करें। अब भाई नहीं बिहेव कर रहे हैं, हमने प्रयास किया फिर भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, हमने उनको कम्युनिकेट भी कर दिया कि ऐसे ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे आपको करना चाहिए, ऐसे कह के बोल दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि मेरे कर्मों का फल है, माया देवी मुझे शुद्ध कर रही है, मैंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा और इस जन्म में उसका फल मिल रहा है, और अभी के लिए हमको अपने ध्यान अपने जप को अगर ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो फिर अगले जन्म में फिर से इसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स, कोई मैनेजर परेशान करेगा, ये सब चलता ही है, तो ये हमारे ध्यान पूर्वक जप करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। कोई भी मटेरियल सिचुएशन को बहुत हैपनिंग नहीं बनाना चाहिए, ये भी जी छोटी भाई, प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा करके नहीं कर देना चाहिए। हाँ, स्पिरिचुअल चीजें हो रही हैं उसको बड़ा बना देना चाहिए ताकि वो याद रहे। फिर पांचवी चीज मैंने आपको बताई कि कोई जैसे कैंप जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, या ऐसी कुछ हैपनिंग स्पिरिचुअल चीजें अगर हो रही हैं तो उसमें सेवाओं में इन सब चीजों में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर हमारा वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। सेकंड, एक सिक्स्थ चीज ये है कि हम अगर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन बोल बोल के करते हैं, बोल के पढ़ रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, तो द्विधुनोति सुहृत सताम, ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि वो उसका जो आवरण होगा, उस जो जो इवेंट है उसका आवरण का जो आवेश है वो कम हो जाएगा श्रीमद् भागवतम को बोल बोल के पढ़ने से। एक तो हम मन ऐसे ही देख के पढ़ते हैं, एक हम बोल के थोड़ा सा, अभी बहुत जोर से पर हल्का सा बोल बोल के अगर हम पढ़ते तो उससे भी हमारा मन को एक भोजन मिलता है और उससे भी मन जो आवेश है वो कम होता है। तो मैंने आपको छह चीजें बताई है ना, नहीं जी ठीक है। जी जी अब
प्रयास करने पर होता है, भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता कहती है ना, बार बार अभ्यास करना। हम जब अच्छा करें इससे कृष्ण ही प्रसन्न होते, कृष्ण प्रसन्न होते हैं हमारे अच्छा जप करने के प्रयास से। हम समझ रहे हैं, ये हाँ जरूरी, जी बहुत अच्छा जप करें तभी कृष्ण, हम प्रयास पूरा करें कि हम, जैसे आपने प्रश्न पूछा इससे पता चल रहा है कि आपको ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी चल रही हैं। तो ये जो परेशान होना है, कौन इस दुनिया में परेशान होता है, सबको तो यही प्रॉब्लम है कि भाई पानी की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली की बिल फ्री कर दो, है ना, नहीं चाहे मैं चक्की भी चलाऊं क्यों ना, बिजली का बिल फ्री होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल सब जगह चीफ मिनिस्टर होने चाहिए ताकि सब कुछ फ्री हो, सब कुछ फ्री में मिले और फ्री में ही हम रहे और हमेशा सोते रहे, अरविंद केजरीवाल भी सोते रहे, तो ये ऐसा वाला सब जगह हो नहीं पाए। तो मैं इसीलिए मैंने बताया मटेरियल चीजों को तो हैपनिंग नहीं बनाना चाहिए, कि आप रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे 6 चीजें नोट करके, तो प्रयास करेंगे भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि हम भौतिक संसार आ गए तभी ये सब हो रहा है। अब कुछ ना कुछ घटनाएं चली रहती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ किया रहता है, जैसे ही मृत्यु होगी सब समाप्त हो जाएगा, सब लोग कहेंगे चलो अब, और वो लोग अगला नया प्रॉब्लम व्यक्ति खोज लेंगे, नया करुणा माता जी ये लोग सब नया खोज लेंगे, ऐसा मत समझना कि उनका प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, उनको नई, ऐसे ही ये दुनिया हमारे साथ भी ऐसे ही, अभी हम सोच रहे हैं ना, अभी सिचुएशन मान लो वो लोग मर गए सारे लोग जो कि हमें प्रॉब्लम कर रहे थे, तो भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, ये इसलिए है क्योंकि ये दुनिया में ही दुखालय है, इस संसार में दुखालयम है ही है, एक ही मात्र तरीका है वो है भगवान की शरण ग्रहण करके, हम इसमें हम प्रार्थना करके जब भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो उससे हम थोड़ा माया थप्पड़ मारना कम कर देती है, और अगर पूरी तरह से शरणागत हैं तो भगवान बिल्कुल खत्म कर देते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक हरे यू प्रभु जी, थैंक हाँ यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने और मुझे मतलब समझ भी आ गया अभी। थैंक देखिए यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ रीटा माता जी, तो अभी हम एक भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, नरोत्तम दास द्वारा, नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा ये रचित भजन है, हरि हरि आर कबे पलटिबे दशा, साधक देहोचित श्री वृंदावन बास लालसा, है ना, नहीं तो इसको हम चर्चा कर रहे हैं, प्रार्थना पुस्तक से ये गीत लिखा गया श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। हरी हरी आर कबे पलटिबे दशा, ए सब कर या वो वृंदावन धाम में मने कर लिया, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आशा अरे यही सब करिया कभी जा परी प्रभु जी नवारी मत। चलो अच्छा, हाँ, क्लियर नहीं है प्रभु जी आवाज। मैं ना इसको अभी यहीं पर क्लोज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा कम है, मैं इस, ये बहुत अच्छा भजन है, बहुत अच्छा भजन है, लेकिन यहाँ नेटवर्क बहुत कम है, तो मैं इसको अभी यहीं प्लस क्लोज करता हूँ, फिर इसको हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। हरे सॉरी ना, कृष्णा प्रभु जी। यहाँ नेटवर्क,
कुछ नहीं कर सकते आप। हरे कृष्णा प्रभु जी दिन दंड हरे थैंक्स कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी।